आज हम बात करेंगे क्रिसमस और न्यू ईयर की छुट्टियों को लेकर, क्योंकि अगर आपका मन में कहीं घूमने का प्लान बन रहा है तो यह वीडियो आपके लिए है। आप एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आप बिहार में कहां घूम सकते हैं उसके बारे में आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। साल के आखिर में अमूमन बच्चों की स्कूलों में छुट्टियाँ हो जाती है, ऐसे में आप घूमने का प्लान बना सकते हैं। क्रिसमस और न्यू ईयर आने में अब बस कुछ ही दिन बाकी हैं, ऐसे में लोगों ने अभी से अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ घूमने का प्लान बना लिया है, या फिर आपने अभी तक कुछ डिसाइड नहीं किया है तो आप जल्द ही सोच लें, क्योंकि अब बस कुछ ही दिन बचे हैं और क्रिसमस और न्यू ईयर दोनों आने वाला है। इस खास मौके पर हर कोई अपने अजीज के साथ रहना पसंद करता है या फिर उन क्षणों को यादगार बनाना चाहता है। ऐसे में अगर आप घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आप आज हम आपको बताएंगे कि उन जगहों के बारे में जहां आप कम पैसे में अपनी छुट्टियों का पूरा आनंद उठा सकते हैं। साल के आखिरी होने वाला है और छुट्टियों को बिताने के लिए लोग पहले बिहार से बाहर जाते थे, लेकिन अब आप बिहार में भी इन छुट्टियों को पूरा मज़ा ले सकते हैं। प्रदेश में कई ऐसी ऐतिहासिक स्थान हैं या फिर धरोहर हैं जहां जाने के बाद आपको महसूस होगा कि काश हम यहां पहले भी आए होते। आपको बता दें कि बिहार के नालंदा, राजगीर और पावापुरी जाते हैं तो यहाँ लोगों की भीड़ से आप आसानी से बच सकते हैं और छुट्टियों का भी पूरा आनंद उठा सकते हैं। लोगों की छुट्टियों को ध्यान में रखते हुए बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की ओर से प्रदेश के अलग अलग पर्यटन स्थलों पर सैर के लिए एक दिन का टूर पैकेज बनाया गया है। इस पैकेज के तहत आप नालंदा, पावापुरी, राजगीर जैसी ऐतिहासिक स्थलों पर भ्रमण कर सकते हैं। तो आइए एक नज़र डाल लेते हैं इस पैकेज के बारे में। पटना, नालंदा, राजगीर, बोधगया, गया, पटना पैकेज। यह पैकेज जो है एक रात दो दिन का है। पैकेज में गाइड, पानी और खाने की सुविधा दी जाएगी। इसके लिए 3850 रुपये आपको देना होगा। इसमें अगर आप यात्रा की जो बात कही गई है वह जो है एसी बस की यात्रा होगी, और आप जो है इसमें ट्रेवलर बस यानी कि नॉन एसी का भी में भी जो है आप सफ़र कर सकते हैं, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो एसी में सफ़र करना पसंद नहीं करते हैं, तो उनके लिए जो है ट्रेवलर की सुविधा जो है वो मुहैया कराई गई है। प्रति व्यक्ति की अगर हम बात कर लें तो आप इनोवा गाड़ी यानी कि छोटी गाड़ी से भी जा सकते हैं। उसका किराया जो है 16575 रुपये है और इनोवा में जो है 5 व्यक्ति सफ़र कर सकते हैं। एक और है 7 व्यक्ति के साथ भी आप अपना सफ़र कर सकते हैं, क्योंकि एक अगर 7 लोगों का एक ग्रुप है तो वो भी जो है बिहार सरकार की तरफ से जो है वो जा सकता है, और उसमें जो है 37800 रुपये का जो है उसमें किराया दिया गया है बिहार सरकार की तरफ से। तो ऐसे में बिहार सरकार जो है अपने टूरिज्म को डेवलपमेंट को लेकर जो है इस तरह की सुविधाएँ बहाल करती रही है। दूसरा जो पैकेज है वह है पटना, नालंदा, राजगीर, पावापुरी, पटना पैकेज। इसके तहत जो है यह टूर पैकेज जो है एक दिन का होगा। इसमें गाइड, खाना पानी, मिनरल वाटर, लंच, ब्रेकफास्ट, रोपवे का टिकट, नालंदा का टिकट यानी नालंदा खंडहर अगर आप घूमने जाएंगे तो उसका टिकट। इस पैकेज में बस का किराया जो है वो 750 रुपया तय किया गया है। वहीं अगर हम एसी बस जो 750 रुपये में आपको जो एसी बस मिलेगा, 800 रुपये में जो है ट्रेवलर बस की सुविधा जो है आपको दी जाएगी। उसमें प्रति व्यक्ति के हिसाब से जो है आपको भुगतान करना होगा। पटना पावापुरी ककोलत पटना टूर पैकेज, यह जो पैकेज है एक दिन का होगा। इस पैकेज में प्रति व्यक्ति 500 रुपये का जो है वो किराया तय किया गया है। अगर आप जो है 7 व्यक्ति के साथ यानी कि कोई व्यक्ति जो है 7 व्यक्ति अपना एक ग्रुप जो है वो घूमने जाना चाहता है तो 9975 रुपये के साथ जो है वो अपने पूरे ग्रुप के साथ घूमने जा सकता है। इसके लिए जो है सभी सीटें जो है पहले से रिजर्व कर दी जाएगी, यानी कि बिहार सरकार की तरफ से अगर आप घूमने जाते हैं तो जो है आपको इस तरह की सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बिहार सरकार की इन टूर पैकेज के अलावा अगर आपकी इच्छा है कि हम व्यक्तिगत रूप से जाएं, तो आप एक बार नालंदा ज़रूर जाएं। नालंदा में खासकर राजगीर, राजगीर में कई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कि जू सफारी, स्काई ब्रिज, कई ऐसी अहम चीज़ें हैं जिसमें कि राजगीर में आप जाकर घूम सकते हैं। पावापुरी आप जा सकते हैं, साथ में आप बोधगया जा सकते हैं। तो कई ऐसी जगह है जो कि अब जो है लोग बिहार में अपने एक तरह से कह लें कि छुट्टियों का पूरा मौका जो है उनको घूमने का यहाँ पे मिलने वाला है।